ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे सावन के नाम से भी जाना जाता है। सावन मास देवों के देव भगवान शिव को समर्पित है। सावन के हर सोमवार को शिव जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस महीने का इंतजार करते हैं। इस पूरे महीने मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सवों में शिव की उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान और शिव अभिषेक ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। विशेष तौर पर सावन सोमवार पर महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान कर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए इस महीने में उपवास और शिव की पूजा करती है। विवाहित स्त्रियां पति के लिए मंगल कामना करती है। भारत देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अधिक प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो श्रद्धालु सावन के महीने में महादेव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, भोलेनाथ उनको मन चाहा फल और कृपाशीर्वाद अवश्य देते हैं। इस महीने की एक खास बात यह है कि हर तरफ सुहावना मौसम, रिमझिम सी बरसात और हरियाली लोगों का मन मोह लेती है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना इस बार 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और यह 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में पहला सोमवार 18 जुलाई को है। इस दिन सावन के सोमवार का पहला व्रत रखा जाएगा, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा और अंतिम सोमवार 8 अगस्त को है। तो इस सावन के महीने में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। श्रावण के महीने में शिव जी के लिए जो व्रत रखे जाते हैं उनमें सोमवार का विशेष महत्व है। शिव जी की पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है। किसी भी कार्य में सबसे पहले श्री गणेश का आवाहन किया जाता है, उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। शिव पूजा में अभिषेक का विशेष महत्व है जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने के नियम का पालन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा था। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देवता उन पर जल की वर्षा करने लगे। इंद्रदेव भी चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जा, इसलिए उन्होंने तेजी से मूसलाधार बारिश कर दी। यही कारण है कि सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है। इससे भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। रुद्राभिषेक करने की विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम जल से शिवलिंग का स्नान कराया जाता है, फिर क्रमश दूध, दही, शहद, शुद्ध घी, शक्कर, ये 5 अमृत जिन्हें मिलाकर पंचामृत कहा जाता है, उसके द्वारा शिवलिंग को स्नान कराया जाता है। फिर जल से स्नान कराकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया जाता है। तत्पश्चात जनेव चढ़ाया जाता है। शिव जी पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाए जाते, उन्हें अभिर्पित किया जाता है। बेल पत्र, अकाव के फूल, धतूरे का फूल और फल चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र चढ़ाया जाता है। धतूरे और बेलपत्र से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इस पूरे क्रम को ओम नम शिवाय मंत्र के जाप के साथ किया जाता है। इसके बाद माता गौरी का पूजन किया जाता है। सावन सोमवार का व्रत दिन के तीसरे प्रहर यानी शाम तक रखा जाता है। सुबह स्नानादि नित्य कर्म करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और उसके बाद गंगा जल, बेलपत्र, सुपारी, पुष्प, धतूरा, भांग आदि से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। साथ ही शिव मंत्रों का जाप करें। ऐसा माना जाता है कि सावन महीने के सोमवार के व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। व्रति को तीसरा प्रहर खत्म होने के बाद एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से लेकर अंतिम सोमवार तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। सिर्फ सावन सोमवार ही नहीं, शिव जी से जुड़े सभी व्रत 3 प्रहर तक ही किए जाते हैं। सावन के महीने में सुंदर कांड रामायण, भागवत कथा का वाचन और श्रवण किया जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक और सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरे महीने दान कर्म का भी महत्व होता है। यह पूज्य कर्म करते समय कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वे फलीभूत होते हैं। इस पवित्र महीने के दौरान कुछ गलतियाँ
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस महीने में, हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। इन्हें जानना बहुत आवश्यक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो सावन के पवित्र महीने में अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए, तो रोज सुबह जल्दी उठे। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को पूरा महीना दूरी बनाकर रहना है। अगर आप संयम नहीं रखते हैं तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। इस पवित्र महीने में आने वाले सभी त्योहारों का उद्देश्य है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। तो ये त्योहार परिवार जनों के साथ मिलकर मनाने चाहिए, जिससे आपसी मनमुटाव कम, घर परिवार में एकता बनी रह, खुशियाँ और क्लेश, कलह, वाद विवाद, चुगल खोरी, नफरत करना आदि सब टाल दे। इस महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए, इससे भगवान शिव को खुशी मिलती है, वे कृपाशीर्वाद बरसाते हैं। घर को साफ सुथरा रखे। सावन के महीने में बाल नाखून काटना, दाढ़ी बनाना वर्जित है, इससे पाप लगता है, भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। ये प्यार स्नेह बढ़ाने वाला समय काल है। इस दौरान मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वो व्यक्ति जीवन की मुश्किलों पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि उसके सिर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराए, दान धर्म करें, गरीबों में कपड़े आदि बातें। जितना आप दान धर्म का कर्म करेंगे उससे अनंत गुना लाभ भगवान शिव से मिल जाते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में किसी याचक को खाली हाथ न जाने दे। गरीबों को भोजन कराएं, जानवरों को खाना खिलाए, न जाने किस रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ जाए। ईश्वर भक्ति व्रत पूरे विधिवत और नियमों का पालन करते हुए करें। छोटी छोटी गलतियों के कारण आपका व्रत टूट सकता है, इससे शिवजी नाराज हो सकते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दौरान, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप जहां भी महादेव शिव की आराधना कर रहे हैं, जहां उनकी प्रतिमा या शिवलिंग स्थापित है, वहां भूलकर भी चप्पल जूते लेकर न जा। ऐसी जगह या मंदिर में नंगे पाव ही प्रवेश करना चाहिए। जहां तक हो सके चमड़े के जूते तो इस महीने में पहनने ही नहीं चाहिए, ये अशुद्ध रहते हैं, इनसे देवशक्ति नाराज होती है। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा न करें, भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें, घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में प्रवेश न करें। इस दौरान आप मानस पूजा कर सकती है, मन में मंत्र जाप कर सकती है, उपवास रख सकती है। ऐसे समय में तुलसी में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे तुलसी का पौधा भी सूख सकता है। सावन हरियाली का मौसम है, यही हरियाली शिव जी को अत्यंत पसंद आती है, इसलिए पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, इससे घर में खुशहाली बनी रहती है। जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां पर सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती है। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखती है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं पर नियमित पूजा नहीं करते, जल नहीं चाहते या कभी कभार जब समय मिले तब जलाभिषेक करते हैं, एकदम गलत बात है। अगर आप नियमित जल चढ़ा नहीं सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी न करें। गरुड़ पुराण में वर्णित है, इससे घर में विनाश होता है। दोस्तों, अक्सर हम पूजा विधि की सामग्री घर में लाकर रख देते हैं, सारी सामग्री फूल तुलसी पत्र आदि साथ होते हैं, और कभी कभी अनजाने में उसमें से हर चीज हर भगवान पर चढ़ा देते हैं। इसमें जान लेना आवश्यक है कि इसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ चीजें कुछ भगवानों को अर्पित नहीं की जाती है, जैसे तुलसी और महादेव का बैर माना जाता है। शिव जी पर तुलसी हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाए जाते, तुलसी में शिवलिंग या गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता, इससे घर में संकट आने शुरू हो जाते हैं। तो शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाए, गणेश जी पर भी तुलसी न चढ़ाए। शिव पूजन या गणेश जी की पूजा में केतकी केवड़ा के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ पार्वती की पूजा आराधना करते समय आंवला या मदार का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है।
दोस्तों, श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ वैदिकीय महत्व भी है। आयुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि सावन के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस पूरे महीने मांस, मछली या अन्य मांसाहार के सेवन को निषिद्ध माना जाता है। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस दौरान मछलियाँ, पशु, पक्षी सभी में गर्भाधान होने की संभावना होती है। किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में पाप मानी गई है, इसलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता। इसी के साथ श्रावण सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। आपका व्रत टूट सकता है, घर परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी न करें। ये फल है नाशपाती का फल। सावन के किसी भी व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी अन्य दिन आप यह फल कभी भी खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चाहना चाहिए। इस दौरान व्रती को उधार मांग कर भी फल या कोई आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, इससे भी दोष लगता है, व्रत भंग हो जाता है। किसी भी व्रत में कोई चीज मांग कर नहीं खानी चाहिए, न ही किसी अन्य के घर भोजन करना चाहिए, इससे व्रत झूठा हो जाता है। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से फल वगैरह लाकर दे तो उसे खा सकते हैं, लेकिन व्रत में उधार मांग कर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। सावन में बैंगन खाने से भी बचें, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध बताया गया है, इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। घर में लंबे समय से रखा हुआ आटा भी आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में छोटे जीव जंतु आ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं, और व्रत में मांस खाना घोर पाप के समान माना गया है, इससे आपका व्रत टूट जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए, व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, खास तौर से दंपतियों के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सफलता से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विधिवत विवाह नहीं किया है, यानी 7 फेरे नहीं लिए है, तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं रख सकते। शास्त्रों में इस बात की मनाही है, कोर्ट मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं माने जाते। अग्नि समक्ष 7 फेरे लेने के बाद ही आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। पवित्र सावन के दौरान तन के साथ ही मन की पवित्रता भी ज्यादा जरूरी है, तो ईर्ष्या जलन दुष्ट विचार जिनके मन में आते हैं उनकी आराधना फलीभूत नहीं होती, ईश्वर उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आप पवित्र मन से, सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से उपासना करते हैं तभी ईश्वर आपकी पूजा आराधना स्वीकार करते हैं। तलाकशुदा व्यक्ति या जो पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते हैं वो सावन का व्रत न करे, शिव जी की आराधना न करे। सावन का महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। आप मनमुटाव छोड़कर फिर से एक हो जा तभी ईश्वर आपकी आराधना स्वीकार करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब पति पत्नी साथ मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। वेश वृत्ति वाली स्त्री की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते हैं, यह महापाप माना जाता है। तो सावन के पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं का पूजा व्रत कभी फलीभूत नहीं होता। प्रेम में पवित्रता रखने वाले जोड़े ही व्रत सफलता पूर्वक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दरअसल क्यों दतियों के अनुसार अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है, साथ ही इसके चारों ओर भी अविवाहित स्त्री को घूमना नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में व्यस्त रहते हैं। दोस्तों, शिवलिंग जनेंद्र का प्रतीक नहीं है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। ये शिवलिंग ज्योतिर्मय ब्रह्मा आत्मा शिव का प्रतीक है। किसी क्षेत्र विशेष में इसे जनेंद्रिय मानकर अविवाहित स्त्रियों के लिए पूजा करना निश्चित माना गया है, जो कि अज्ञानता है। शिवलिंग केवल पूजा करने के लिए नहीं है, शिव बनने की उत्प्रेरणा के लिए है।
तो कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। इससे उन्हें महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती। ए सावन सोमवार के व्रत और इस दौरान किए जाने वाले अन्य व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। केवल नियम पूर्वक इन्हें करें। भगवान भोलेनाथ आपकी भक्ति से जरूर प्रसन्न होंगे। आपको धन धान्य सुख समृद्धि से लाभान्वित करेंगे। इसके शुभ संकेत भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे कुछ शुभ शगुन आप निश्चित ही दे पाएंगे। दोस्तों, सावन के दौरान बैल का दरवाजे पर आना अत्यंत शुभकारक माना जाता है। नंदी महाराज बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी जी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। अगर सावन के पवित्र महीने में नंदी महाराज आपके द्वार पर आ जाए और घर की चौखट को सिंग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर पधारने वाले हैं। शिव जी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर में खुशियां आने वाली है, संपन्नता आने वाली है, तो घर आए नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाए। सावन के दौरान आपको सपने में अगर शिवलिंग दिखे, भगवान शिव दिखे या आप उनकी पूजा करते दिखे, तो समझ जाएं कि शिव जी आप पर असीम कृपा बरसाने वाले हैं। आपके जीवन की परेशानियों का अब अंत होने वाला है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर आपके घर के छत पर आकर बैठ जाए तो ये बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। नीलकंठ भगवान शिव का ही एक नाम है और नीलकंठ पक्षी को उनका प्रतीक माना जाता है। ऐसे में समझ जाए कि महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति आप बन गए हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। सावन के पवित्र महीने में घर में या घर के अहाते में काला सांप निकाल आए तो इसे भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। तो ध्यान से देखना, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो और हम जल्द धनवान बन। साथ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सोमवार के दिन ऐसे कौन से कार्य करने से भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि भगवान शंकर ही एक भोलेनाथ है जो कि थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा सेवक, सबसे ज्यादा भक्ता भगवान भोलेनाथ का है, क्योंकि भोलेनाथ को भोले भंडारी भी कहते हैं और ये थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें और देवी देवताओं की तरह लंबे लंबे अनुष्ठान या फिर पूजा पाठ इनके लिए करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही अगर मन से, सच्चे मन से, पूरे विश्वास के साथ भगवान को एक पुष्प चढ़ा देते हैं तो खुश हो जाते हैं और आप जो भी चीज मांगते हैं वह चीज को भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को दाता कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने आज तक जितने भी उनके भक्त हुए, जो भी चीज मांगे, भगवान भोलेनाथ ने वह हर सारे चीज अपने भक्तों को दिए हैं जो कि वह चाहते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, आज की वीडियो की बहुत ही सुंदर है। प्रथम तो जो लोग भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पार्वत शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, बेल की जो जड़ है ये अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं बेल की जड़ धारण करने के बाद भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत से लोग आप में से कमेंट करते हैं, गुरुजी नवग्रह के पीड़ा है तो नवग्रह के पीड़ा दूर करने के लिए सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो अगर सूर्य ग्रह से आपको कोई परेशानी है, सूर्य ग्रह अगर आपको परेशान करते हैं, तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से सूर्य के जो ताप होते हैं, सूर्य के जो अनिष्ट प्रभाव होते हैं, दूर होते हैं। अगर चंद्र आपको परेशान करे तो कच्चे दूध में काले तिल डालकर के शिवलिंग पर अभिषेक करें। चंद्र का जो दुष्प्रभाव है, चंद्र जो आपके ऊपर में बुरे परिणाम दे रहे, वह दूर हो जाते हैं। अगर मंगल आपको परेशान करते हैं तो गिलोय बूटी के रस से जो शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। मंगल के दोष के कारण व्यक्ति में क्या होता है, जल्दी से विवाह नहीं होते, मांगलिक दोष हो जाते हैं या फिर शादी होते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा शादी हो जाते हैं। अगर पत्नी को मांगलिक दोष लगे हैं तो पति मर जाते हैं, और अगर पति को लगा है तो कितने भी पत्नी ले आए घर में, कितने भी शादी करके ले आए, उनका डेथ हो जाते हैं, मर जाते। तो मंगल दोष लगने के और भी कारण है। जैसे कि मंगल दोष लगते हैं तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति गिलोय की बूटी के रस का अभिषेक जो है करना शुरू कर दीजिए तो मंगल दोष दूर हो जाती है। जिन्हें बुध दोष लगा हो तो विधारा की बूटी के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें। विधारा बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, ढूंढिएगा। बृहस्पति जिनके कमजोर है, जैसे कि जिनके गुरु कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को आत्महानि होता है, यानी कि मान सम्मान नहीं मिलता। कहीं भी चले जाइए, लोग इनकी इज्जत नहीं करते और जो धार्मिक कार्य पर इनके मन नहीं लगते तो ऐसे व्यक्ति अगर एक बार भी अगर कच्चे दूध में हल्दी मिला करके शिवलिंग पर अभिषेक कर देते हैं तो बृहस्पति की जो कुप्रभाव है वह दूर हो जाते हैं। शुक्र के कुप्रभाव को दूर करने के लिए पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शुक्र के जो कुप्रभाव है वह दूर होते हैं। जो व्यक्ति जिनके कुंडली में शुक्र कुप्रभाव दिखाते हैं, ऐसे व्यक्ति धन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान नहीं बनते, ऐसे व्यक्ति भिखारी हो जाते हैं। तो जल्द धनवान बनना चाहते हैं तो भगवान शंकर को किसी भी सोमवार के दिन में पंचामृत से अभिषेक कर देना बहुत ही लाभकारी होता है। धन आने का मार्ग खुलते हैं। शनि से बचने के लिए गन्ने के रस अभिषेक करने से ध्यान से सुने जो लोग शनि की पीड़ा से परेशान रहते हैं, ऐसे में व्यक्ति अगर शिवलिंग पर गन्ने का रस का अभिषेक करते हैं तो शनि की कुप्रभाव समाप्त होते हैं, ऐसे धर्मशास्त्र में लिखा है और यह तत्काल फल देते हैं। आपको शनि की मंत्र के उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, बस भगवान शंकर से प्रार्थना करना और गन्ने का रस अभिषेक कर देना। शनि की कुप्रभाव, शनि की सारे साथी अर्किया पौनीय दशा जो भी चल रहे है वह तत्काल समाप्त होती। ए राहु केतु के अगर दशा से परेशान है तो भांग से शिवलिंग पर अभिषेक करे, इससे राहु केतु के कुप्रभाव समाप्त होते हैं। जीतने भी नवग्रह हैं, ये नवग्रह को भगवान शंकर ने स्वयं बनाए हैं। सभी को आशीर्वाद देकर के नवग्रह मंडल स्वयं तैयार किए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान शंकर को कौन से कामना के लिए कौन सा चीज चढ़ाना चाहिए जिससे आपके मनोकामना की पूर्ति हो। वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए, या फिर हर हर महादेव जरूर लिखना। आशा करूंगा कि ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे, हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी भोलेनाथ के भक्त नहीं हैं, आप भोलेनाथ से नाराज हैं। तो जो व्यक्ति अगर दूध का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है। दही का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होता है। जी हाँ, शिवलिंग पर अगर कोई व्यक्ति शहद चढ़ाते हैं तो सौंदर्य की प्राप्ति होते हैं, वाणी में मिठास आता है और समाज में लोकप्रियता बढ़ता है। समाज में आपके मन समान प्रतिष्ठा बढ़ता है। शहद चढ़ाने से घी का अगर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो हमें तेजी से ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर घी का अभिषेक करते हैं शिवलिंग पर तो हमें तेजी से हमारे शरीर में तेज की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है। शक्कर का शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो सुख समृद्धि ऐश्वर्या की प्राप्ति होता है। और कोई व्यक्ति अगर इत्र का ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान शंकर पर इत्र का अभिषेक करते हैं, इत्र का अभिषेक कैसे करते हैं? जो लोटे आपने पानी चढ़ाने के लिए रखे हैं, जल रखे हैं, उस जल में इत्र की कुछ बूंद डालना होता है तो इसे इत्र का अभिषेक बोल सकते हैं। तो ये अगर आप भगवान शंकर पर इत्र का अभिषेक करते हैं तो इससे धर्म की प्राप्ति होता है और आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो बार बार बीमार पड़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या, सभी मार्ग से परेशान हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इत्र का अभिषेक भोलेनाथ को जरूर करे। उसी टाइम से तत्काल रिजल्ट मिलते हैं। फिर देखना स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये इत्र का अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, फिर सोने पे सुहागा है, मृत्युल्य व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। इस उपाय से अगर कोई व्यक्ति सुगंधित तेल का अभिषेक शिवलिंग पर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को धन्य धान की प्राप्ति होता है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होता है। शिवलिंग पर चंदन का अभिषेक करने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति केसर अगर अर्पित करते हैं तो दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाले समस्त जो अड़चने होती है, जिनकी विवाह में कोई तकलीफ आ रही है, बाधा आ रही है, ऐसे व्यक्ति चढ़ाइए तो बिल्कुल ही अड़चने दूर होती है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाह के जो योग है वो शीघ्र बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति भांग भांग अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो समस्त पाप जीतने भी ये पूर्व समय में किए गए पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह दूर हो जाते हैं। धतूरे चढ़ाते हैं
भगवान शंकर को तो पुत्र की प्राप्ति होता है, कुल का नाम रोशन होता है और इसे भगवान शंकर के साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आंवले का रस, आंवले का रस अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो दीर्घायु की प्राप्ति होता है, अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं क्यों बोला हूँ, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, क्योंकि प्राचीन ज्ञान चैनल से हम जितने भी कमाई करते हैं इसके अधिकतर पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय को करते हैं तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। गन्ने का अभिषेक करने से घर में आपसी जो प्रेम है वो बढ़ता है, धन की भी प्राप्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो योग्य संतान की प्राप्ति होता है, या फिर जिनके घर में संतान नहीं आ रहे हैं ऐसे व्यक्ति की घर में संतान की किलकारी गूंजने लगते हैं। चावल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है, इसे अक्षत कहा जाता है। न समाप्त होने वाला चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, इसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होता है और मानव जीवन में सुख समृद्धि जरूर चाहिए। तिल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो समस्त पापों से हमें मुक्ति मिलती है, पूर्व समय की जो किए गए पाप होते हैं वो मिट जाते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सोमवार के दिन क्या करना चाहिए। तो सोमवार के दिन सिर पर हमें जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ या फिर कोई भी भस्म होते हैं शिवलिंग पर लगा करके हमें अपने सर पर जरूर लगाना चाहिए। सोमवार के दिन निवेश करना अच्छा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी चीज में निवेश कीजिए, इसमें फायदा ही आपको मिलेंगे। सोमवार के दिन जो है सोना है, चांदी है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगाना है ये अच्छा माना गए है। इस दिन घर का निर्माण भी शुभारंभ कर सकते हैं। सोमवार को सुबह क्या करना चाहिए, तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके पूजन पाठ करना चाहिए और भगवान शंकर जी के 108 बार महामृत्यु मंत्र का जाप करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का तो जहाँ भी जाइए आपको सफलता मिलना शुरू हो जाता है। एक दिनचर्या बना लीजिए, अगर डेली की नहीं कर सकते सप्ताह में तो सोमवार के दिन जो है चयन कर लीजिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए अभी मैं पूरे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन हो सके तो भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराई सर्वप्रथम। इसके बाद संतान प्राप्ति करने के लिए शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा सकते हैं, अक्षत चढ़ा सकते हैं, मनोकामना के लिए दूध फूल ये सब चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं चढ़ा सकते तो भगवान भोले भंडारी को बेल पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, आंकड़े का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जो भी चीज मांगेंगे वो सारी चीज आपको देंगे। सोमवार को शिव की पूजा कैसे करें, तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर लीजिए। इसके बाद जो है घी का दीपक जलाइए और जैसे जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं।